तो गाइज आज के इस वीडियो में मैं बनाने वाला हूँ चोको लावा कपकेक विद द यूज ऑफ ओनली 4 इंग्रेडिएंट्स। तो आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें हमारी चैनल को फूडी फेम्स। गाइज आज के इस चोको ब्राउनी कप केक बनाने के लिए हमें चाहिए 2 ओरियो बिस्किट 10 रुपीस वाले। एक मैंने बाउल में डाल दिया है, दूसरा डाल देते हैं। अब हम इसे विद द यूज ऑफ एन मिक्सचर इसे ग्राइंड कर लेंगे। अब गाइज ये फाइन फॉर्म कर लिया है विद द यूज ऑफ एन मिक्सचर, आप देख सकते हैं। अब मैं इसमें डालूंगा 2 स्पून शुगर पाउडर, 1 स्पून। अब गाइज हम दूध डालेंगे गाढ़ा वाला इस वाले मिक्सचर में, पर दूध हम इस तरह से डालेंगे कि जितना जरूरत होगा उतने डालेंगे। ये क्रीम जैसा पतला हो जाए तब तक हम दूध ऐड करते रहेंगे। तो मैं थोड़ा अभी डालता हूँ, थोड़ा डालने के बाद अब मैं इसको मिक्स करता हूँ। थोड़ा और दूध डालना पड़ेगा। तो गाइस आप सब देख सकते हैं कि ये क्रीम जैसा हो गया है और आधी कटोरी ही दूध यूज हुई है। तो 2 पैकेट में आधी कटोरी और 4 पैकेट में पूरी 1 कटोरी दूध की, पर दूध हमें गाढ़ा वाला लेना है। अब हम इसमें इनो डालते हैं। तो गाइस इनो डालना है 1 टेबल स्पून। डालने के बाद हमें इसे फिर से फाइन मिक्स कर लेना है। अब गाइस इस वाले मिक्सचर को हम कप में डालेंगे। अब गाइस मैंने 40 रुपीज वाली डेरी मिल्क सिल्क ली है और इसे मैंने बॉइल कर दिया है और ये एकदम पिघल गई है और इसे अब मैं थोड़ा कूल डाउन होने की ट्राई करूंगा। जब ये कूल डाउन हो जाएगी तब इसके मैं छोटे छोटे बॉल बना लूँगा और इसके अंदर मैं डालूँगा। तो अब गाइस ये मैंने चॉकलेट के बॉल तैयार कर लिए हैं। अब मैं एक एक बॉल को इसके अंदर डीप करूँगा, जैसे कि फर्स्ट में मैं इसके अंदर डीप कर रहा हूँ इस तरह से, ऊपर से ढक देंगे। इस तरह से मैं सभी बॉल्स को डीप कर दूँगा। अभी तैयार हो गया है और मैं इसे अभी प्रेशर कुकर के अंदर डालूंगा। प्रेशर कुकर में तो मैंने सबसे लास्ट में थोड़ा नमक डाला है और उसके ऊपर एक सपोर्ट रखा है और उसके ऊपर मैं ये जारी रखने वाला हूँ। तो गाइस अभी मैं इस वाले कप को प्रेशर कुकर के अंदर डालूंगा। इसकी हमें प्रेशर कुकर के ऊपर से सीटी निकाल लेनी है और हमें लो फ्लेम पर रखना है और हमें 30 मिनट तक इसे रखना है। ये हमारी चोकोला कप केक बन के तैयार हो गई है और अब मैं इसे फ्रीजर में रखूंगा थोड़ी देर कूल डाउन होने के लिए और बाद में मैं इसे गार्निश करके टेस्ट करूंगा। चलिए गाइस अब हमारी चोकोला कप केक बन के तैयार हो गई, तो चलिए इसे टेस्ट करते हैं। तो गाइस हमारी चोकोला कप केक बन के तैयार हो गई है, तो अब हम इसे टेस्ट करते हैं। यमी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें फूडी फिल्म्स को, बेल आइकन को प्रेस करें जिसका आप तो मिलते हमारे वीडियो की अपडेट सबसे पहले।